नमस्कार, लव यू ओ लव यू, आपका दोस्त और शुभचिंतक डॉक्टर पीके आज लेके आया कि खाने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखें जिससे गैस, कब्जी, मोटापा, पेट भार आना, कमर का जाना और पेट का आना ना हो, खाना पचने लग जाए, तो क्या क्या चीज़ें हम करें, प्रिपरेशंस करें कि हमारा भोजन हमारे लिए वरदान, हमें ग्रीस बनाए, गैस ना बनाए, फैट ना बनाए, ग्लूकोज बनाए, ग्रीस बनाए, ग्लूकोज बनाए, फैट ना बनाए, मोटापा ना करें, कब्जी ना करें, खाना पच जाए और गैस ना बनाए, तो क्या क्या ध्यान रखें भोजन करने से पहले। इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। समस्याएं गैस्ट्रिक इनडाइजेशन, बेल्चिंग, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी बढ़ती जा रही हैं। क्या आप भी इन कोई समस्या से ग्रस्त हैं? खाने से पहले माइंड को कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल रखें, शांत करें। इसके अलावा लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें, मन को शांत करने के लिए भी और पेट को तैयार करने के लिए भी। टेक डीप ब्रेथ्स, लंबा गहरा सांस लेने के लिए आपका पेट और चेस्ट फूलना चाहिए। काफ़ी लोगों को हम बोलते हैं कि आपको सांस ले रहे हैं, आपको लेना तो नहीं आता, आपकी टेक्निक गलत है। वो कहते हैं जी, मैं कहता हूँ सांस लेके दिखाइए, तो वो पेट अंदर कर लेते, जब सांस लेते कह रहे डॉक्टर साहब पेट तो अंदर ही होता है सांस लेते, तो मैं नहीं नहीं नहीं, सांस जब लें तो पेट बाहर निकलना चाहिए आपका। तो आप 3-4 लंबे गहरे सांस लें, माइंड को कूल, ठंडा ठंडा, रिलैक्स करें। आधा घंटे पहले आधा गिलास, एक गिलास पानी पी लेंगे तो खाना, आपकी जो आंतरियां हैं, इंटेस्टाइन्स और स्टमक, वो तैयारी हो जाएगी शुरू। तो खाने से आधा पौना घंटे पहले आपने पानी पी लिया, 10-15 मिनट पहले सलाद खा ली, तो अंदर के जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे, लीवर से, पेट से, आंतों से। तो तैयारी शुरू करके ही तो खाओगे ना। शादी में कितनी प्रिपरेशंस करते हो, शादी करने से पहले, शादी होती है तो उससे पहले कितनी तैयारियां, प्लानिंग होती हैं, तो क्यों ना भोजन करने से पहले भी प्लानिंग करें, सीखें छोटी छोटी टिप्स जो कि बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा, स्वस्थ लोग, बुजुर्ग लोग, जिनको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, वो लोग करते हैं। जो ज्ञान हमने उनसे अमल किया, उनसे सीखा, अपने ऊपर उतारा, ज्ञान दिया लोगों को, उनको फ़ायदा हुआ, वही ज्ञान है ये। प्रैक्टिकल, अद्भुत, नया, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक। तो आपने क्या किया, मन को शांत किया, आधा पौना घंटे पहले पानी पी लिया, गुनगुना पानी, ज़्यादा चिल्ड नाउ, ल्यूपोम वाटर या मटके का पानी, और फिर 10 मिनट पहले सलाद खाएं, बिना नमक की सलाद खाएं। सर्दियों में तो आप गाजर मूली खाएं दोपहर को जरूर, रात को ना खाएं गाजर मूली, रात को कच्ची सब्जियां, सलाद थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, दोपहर का टाइम बेस्ट टाइम है। प्लेट भर के सलाद खाएं, जैसे हमारे विश्वरूप रॉय चौधरी जी बताते हैं कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल वाले मोहन गुप्ता जी बताते हैं कि सलाद को भोजन की तरह खाएं, प्लेट भर के खाएं 10-15 मिनट पहले। कच्ची चीज़ें जितनी खाएंगे उतनी आपकी बीमारियां कटेंगी, उतने ही आपके हड्डी जोड़ नसें मजबूत होंगी, मसूड़े मजबूत होंगे, चबाएंगे, दांत मजबूत होंगे, पेट सही रहेगा, गैस, कब्जी, काफ़ी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, शुगर, ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा। और काफ़ी लोग तो शुगर बीपी की दवाइयां बंद कर दी हैं, 3-step डाइट, DIP डाइट जैसे वो बताते हैं, उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, तो बहुत अच्छा, मोटापा भी कम होता है उन चीज़ों से। तो सलाद को प्लेट भर के खाएं और नमक ना डालें, चाट मसाला ना डालें, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया डाल सकते हैं, ये जो आपको कच्चा नारियल कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और कोशिश करके उसको खाएं। खीरे खाएं तो उसको नमक के पानी में डुबो दें 1 घंटा पहले गुनगुना पानी में, और उसको तोड़ के छिलके समेत खाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। मूली,
छिलके समेत खाएंगे, छिलके में 3 कई गुना ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, छीलें कम। जानवर छिलके ही तो खाते हैं, कोई अस्पताल थोड़ी है, उनके चलते रहते हैं और छिलके खाते हैं तो कितने उनका पेट सही रहता है, कब्जी नहीं होती उनको, पेट साफ करने के लिए उनको 1-1 घंटा टॉयलेट में नहीं बैठना पड़ता, प्रेशर जल्दी बन जाता है, तो पेट सही रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अब सलाद खा लिया आपने, उसके बाद आप थोड़ा जब खाना भोजन करने तो आपकी तैयारी हो जाती है, आपने पानी पी लिया, सलाद खा ली, माइंड कूल कर लिया, लंबे गहरे सांस ले लिए, उसके बाद आप जब भोजन आ गया सामने आपके तो उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी भरें, उसमें वाइब्रेशन डालें, तो वो आपके शरीर में जब जाएंगी तो अन्न का कण कण आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा, एनर्जी फायदा करेगा आपको। तो हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करें, उसका शुक्रिया करें, उसका धन्यवाद करें, ईश्वर तूने भोजन दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सभी को भोजन देना, कोई भूखा ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यवेत्। कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे भोजन को ग्रहण करें। तो आपने भोजन करने से पहले तैयारी जो की वो आपको बहुत फायदा करने वाली है, आपकी बीमारियों से बचाने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए। आप फिट होंगे तो तभी तो हिट होंगे ना, क्योंकि हम बताते हैं जो फिट है वही हिट है। तो छोटी छोटी बातें, कुछ ना कुछ एक दो बात जरूर अपने जीवन में उतारें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत अद्भुत ज्ञान, अमल किया हुआ ज्ञान आपने ग्रहण करने वाले हैं। तो अपने यार दोस्तों को इससे वंचित ना रखें, उनको भी बताएं, उनको शेयर करें, उनको फिर फोन भी करें कि इसको देखो, समझो, कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगे, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।